आज हम बनाएंगे मूंग दाल के पकोड़े। तो ये हरी मिर्ची और अदरक को हम पहले दरदरा पीस लेते हैं, इसके बाद मूंग दाल को पीसेंगे। हरी मिर्ची अदरक हमने दरदरा पीस लिया है। अब ये मूंग दाल को भिगो के रखी थी, हरी मूंग की दाल है तो 4 घंटे पहले भिगो दी थी। अब इसको पीसेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसका पानी हमने पूरा निकाल दिया। थोड़ी सी मैंने ये मूंग दाल ऐसी बचा ली है, तो उस पेस्ट में हम ये पूरी खड़ी मूंग दाल डालेंगे तो इससे बहुत अच्छे लगते हैं। ये दरदरी पीस ली है, अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें धनिया डाल दिया हमने, धनिया धो लिया था, धनिया डाला, ये खड़ी मूंग की दाल डाल दी। खड़ी मूंग की दाल डाल दी, अब ये अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें नमक मिर्ची खड़ा धनिया डालेंगे, थोड़ी हल्दी डाल दी, ये खड़ा धनिया डाल दिया हमने, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और ये थोड़ी सी हींग डाल देंगे, ये हींग डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये मूंग दाल के जो पकोड़े हैं बनाना बहुत आसान है, और इसको आप बिना पानी के पीसिए तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें लाल मिर्ची नहीं डाल रहा है क्योंकि हमने हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा डाली है। थोड़ा सा जीरा, ये थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा ये जीरा भी डाल दिया हमने। ये अब हमने तेल है ना गरम रख दिया है, और ये मीडियम गरम हुआ है, अब हम इसमें पकोड़े डाल रहे हैं। तो ये इसको इस तरह से, इसमें बिल्कुल पानी ना डालें, और इस तरह से गोले बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं। अभी हमने मीडियम आंच रखी है, फिर ये थोड़े से हो जाएंगे, इसके बाद हम इसको तेज कर देंगे। तो ये पकोड़े बनाना बहुत आसान है, और जब भी आपकी इच्छा हो तो मूंग दाल को भिगो दीजिए, और उसमें थोड़ी सी जब पीसें तो थोड़ी खड़ी मूंग की दाल बचा के रख लीजिए और उसमें डालिए, तो वो बहुत अच्छी लगती है, स्वाद में बहुत अच्छा उसका कुरकुरापन आता है, खस्ता लगती है वो। तो इस तरह से आप मंगोड़े बनाइए, मूंग दाल के पकोड़े बनाएंगे, ये इस तरह से गोल गोल बन जाते हैं। अभी हम इनको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, जब ये थोड़े ऊपर आ जाएंगे तब इनको पलटेंगे। अब ये ऊपर आ गए हैं, अब इनको हम पलट देते हैं, और आँच को मीडियम ही रखना चाहिए जिससे ये अंदर तक अच्छे सिक जाए। तो इनको सिकने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं। ये पूरा अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसको निकालेंगे। ये अब सिकने में आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी कसर है इनमें, और ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। और आज को हमने मीडियम रखा हुआ है, अभी अच्छे सिक गए हैं। और इनको मूंग दाल के गोटा भी बोलते हैं, क्योंकि ये गोल गोल हम इसके गोले बना के और फिर इसमें डालते हैं। तो ये मूंग दाल के मंगोड़े अलग होते हैं, और ये मूंग दाल के पकोड़े या गोटा जिसको बोलते हैं, ये अलग होते हैं। तो इसमें खड़ी मूंग की दाल भी डालते हैं, और बिल्कुल बिना पानी के इसको हम पीसते हैं। ये देखिए अंदर से भी कितने अच्छे से हो गए हैं, ये बढ़िया, और ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से नरम है। तो ये इस तरह से मूंग दाल के गोटा आप बनाइए और खाइए। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए।